आप दोस्तों एक ऐसे बिजनेस के बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं जिसमें अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा स्टार्टअप से शुरू करके लंबे तक ले जा सकते हैं, अच्छा खासा नाम भी कमा सकते हैं और उसमें प्रॉफिट भी है। आज भी उसका डिमांड है और आने वाले समय में भी उसकी डिमांड बढ़ती ही जाएगी। तो उसकी हम शुरुआत छोटे लेवल पे कैसे करें, बड़े लेवल पे कैसे करें, कौन कौन से कागजात लगेगी, मशीनरी कितने की पड़ेगी दोस्तों और कितना प्रॉफिट होगा, ए टू जेड यहाँ पे हम शेयर करने वाले हैं। दोस्तों सिर्फ 10 मिनट का समय दे करके पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको करना है थोड़ा सा देखने के बाद कहीं हो सकता है लास्ट में कुछ ऐसी बातें आ जाए या बीच में कुछ ऐसी बातें आ जाए जो तभी बिजनेस समझ में आता है, आधी अधूरी जानकारी से कोई बिजनेस समझ में नहीं आता है। तो चलिए सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार, चर्चा करते हैं बिजनेस कौन सा है। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं एल्युमिनियम फॉयल कंटेनर की। सब लोग जान रहे हैं आज कितना ऑनलाइन डिमांड है दोस्तों, सब लोग घर बैठे खाना मंगाते हैं, दवाओं में इसका यूज होता है, खाना में यूज होता है, जो भी है मिठाई मिठाई यानी जो भी खाद्य पदार्थ हैं दोस्तों उसमें इस चीज़ का यूज होता है। तो दोस्तों इसकी डिमांड बढ़ती भी जा रही, आने वाले समय में अपना युग यानी पूरा भारत क्या वर्ल्ड भी डिजिटल होते जा रहा है, सब खाने की चीज़ें इतना लाइफ सबकी बिजी हो गई, घर बैठे मंगाएंगे और मंगा रहे हैं तो इसकी डिमांड और बढ़ जाएगी। सिर्फ हम फेल कहाँ होते हैं, हम जब तक हमको बेसिक नॉलेज नहीं होता है, कोई भी बिजनेस करने से पहले उसके हमको बेसिक नॉलेज हो जाएंगे और सारे कागजात के बारे में हो जाएंगे। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों वो सेल्फ की, सेल्स आपके अंदर होनी चाहिए। जब आपके अंदर बेचने की कला आ जाएगी तो आप मिट्टी को सोना बना के बेच सकते हैं। और सेल्फ आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस आएगा, आपको रिजेक्शन सहने की क्षमता होगी। पता लगा आप सेल करने जाएं, एक लोग मना कर दिए, दो लोग मना कर दिए, तीन लोग मना कर दिए और आप हराश हो गए और वहीं पे आपने अपना सब कुछ हथियार डाल दिया तो फेल होने के चांसेस रहते हैं। हमको सुबह से शाम तक अगर हम सेल्फ करने निकले हैं तो अगर हम 10 दरवाजे खटखटाएंगे तो एक न एक सफलता मिलती है, यही होता है सेल्फ का। अगर हम इस पर बात करेंगे दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, हम यहाँ पे बात करते हैं रिक्वायरमेंट की। चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन से कागजात लगेंगे, हमको कौन कौन सी मशीनरी लगेगी। चलिए दोस्तों पहले हम बात करते हैं कागजात की। कागजात दोस्तों एक खाद्य पदार्थ में आता है, एक लहसुन और लेना पड़ेगा या फिर AI नंबर रजिस्ट्रेशन। दोस्तों आपको सबसे पहले FSSAI रजिस्ट्रेशन, चूँकि ये फूड प्रोडक्ट में आता है, खाद्य वस्तु में आता है, खाद्य की कोई भी वस्तु जब आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या मार्केटेड करेंगे तो आपको उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। दूसरा हो गया दोस्तों GST नंबर, GST नंबर आपको लेना पड़ेगा मशीनरी के लिए, खरीदने के लिए या सेल टैक्स सब कुछ करने के लिए। जब आप कोई काम यानी कि अच्छे ढंग से करेंगे, कानूनी तौर पे करेंगे तो GST नंबर लेना कंपलसरी हो गया है। उसके बाद दोस्तों आता है MSME रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आप इस भारत सरकार की बिजनेस साइड है, अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आप स्टार्टअप के अंतर्गत बैंकों से कम ब्याज पर आसानी से आपको लोन प्रोवाइड हो जाता है। उसके बाद आता है ट्रेड लाइसेंस, दोस्तों ट्रेड लाइसेंस भी आपको लेना पड़ेगा, करेंट अकाउंट नंबर खुलवाना पड़ेगा। उसके बाद NOC सब डिपार्टमेंटों से, या दोस्तों UP में जैसे एक है निवेश मित्र करके है, अगर आप निवेश मित्र में अप्लाई करते हैं तो सारी चीज़ें वहीं पे कागजात मिल सकते हैं। हो सकता है ये आपकी स्टेट में भी हो तो वहाँ से भी कर सकते हैं, तो सारे कागजात आपको मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों जो भी आप फॉइल का आइटम बनाएंगे उसके लिए आपको एक ब्रांड नेम की भी ज़रूरत पड़ेगी, और आप अपनी कंपनी या अपनी पहचान के लिए एक लोगो डिजाइन करवाना पड़ेगा। तो कंपनी और ब्रांड नेम और लोगो का आपको ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा। दोस्तों ट्रेडमार्क इसलिए करवाना पड़ेगा जब आपका ब्रांड पॉपुलर हो जाए, कोई और उसका डुप्लीकेट ही ना कर पाए, इसलिए इसका ट्रेडमार्क लेना ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों जब आप बिजनेस बड़ा हो जाएगा, आपकी फैक्ट्री बड़ी हो जाए तो आपको कंपनी बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा।
कंपनी रजिस्ट्रेशन तीन कैटेगरी में होती है दोस्तों, प्राइवेट लिमिटेड, LLP, OPC, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अदर लाइसेंस आप देख रहे हैं लिखा है, ये अदर लाइसेंस दोस्तों जैसे आप किस स्टेट से हैं उस स्टेट में कौन से कागजात की रिक्वायरमेंट है, अलग अलग स्टेट में थोड़ा सा डिफरेंट कागजात की ज़रूरत होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये वीडियो दोस्तों हो सकता है आपके पास एक साल बाद पहुँचे, दो साल बाद पहुँचे, तीन साल बाद पहुँचे, कब आपके पास ये वीडियो पहुँचे, आप कब देख रहे हैं। तो जब आप वीडियो देख रहे हैं, जब आप उद्योग लगाना चाहें, बिजनेस करना चाहें, उस समय की टर्म कंडीशन क्या है, उस समय का रिक्वायरमेंट कौन कौन से पेपर के हैं, तो दोस्तों उस समय का बैकग्राउंड देखने के बाद, रिक्वायरमेंट देखने के बाद, उस हिसाब से कागज़ लेकर के ही बिजनेस शुरू करेंगे, तो आप कभी कानूनी तौर पे आप फंसेंगे नहीं। ये हो गया दोस्तों कागजात। अब उसके बाद आती है लोकेशन की, अब आपको लोकेशन भी देखना पड़ेगा, लोकेशन ऐसा होना चाहिए जहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग ईजी हो, उस फील्ड में कौन कौन से फील्ड सर्वे डिमांड है और एरिया वहाँ पे क्या है, आपका नगर निगम के अंतर्गत है या नगर निगम के बाहर है, कहाँ पे है, और वहाँ पे किस तरह के फॉयल की कौन सा, वहाँ पे जैसे सिटी है तो सिटी में आप जानते हैं ज़्यादा डिलीवरी होता है खाने वाले, ग्रामीण में इतना डिमांड नहीं रहता है, या आप जहाँ पे उद्योग डाल रहे हैं दोस्तों वहाँ पे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं, तो फैक्ट्रियाँ में कौन कौन से प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, ये सब आप थोड़ा सा मार्केट का सर्वे करेंगे, एजेंसी पर सर्वे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ सर्वे करेंगे, होटलों में सर्वे करने के बाद, डिमांड करने के बाद ही एक लिस्ट तैयार करना पड़ेगा। ये हो गया लोकेशन। उसके बाद दोस्तों शॉप, शॉप का नेम, स्पेस 1000 से 1500 स्क्वायर फीट, इंटीरियर डिजाइन, डेकोरेशन, लैपटॉप, प्रिंटर, इन्वेस्टमेंट। दोस्तों अब आप एक दुकान भी रखना पड़ेगा, ऑफिस जहाँ पे आप आगे थोड़ा सा ऑफिस बनाएंगे, पीछे फैक्ट्री डाल दीजिए, 1000 से 1500 स्क्वायर फीट में आपका सब फिटअप हो जाएगा दोस्तों, जिस हिसाब से रॉ मटेरियल रखते हैं। ऑफिस इसलिए थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, वहीं से आपकी डिलीवरी होगी, वहीं पर आपके कस्टमर विजिट करेंगे दोस्तों, और थोड़ा सा अच्छा डेकोरेशन डिजाइन वगैरह हो। अब आपको एक लैपटॉप चाहिए, अब आपको दोस्तों एक सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, बिलिंग के लिए बिलिंग सॉफ्टवेयर आता है, और प्रिंटर लेना पड़ेगा अगर आप माल को बाहर सप्लाई करेंगे। ये हो गया दोस्तों। अब इन्वेस्टमेंट की बात करें दोस्तों, तो मशीनरियों के ऊपर डिपेंड करता है, आपके रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, आप 10 लाख से भी शुरू कर सकते हैं, 15 लाख से भी शुरू कर सकते हैं, 25 से 50 लाख भी शुरू लगा सकते हैं, बस डिपेंड ये होता है किस क्वालिटी की आप मशीन ले रहे हैं, कितना रॉ मटेरियल का स्टॉक रख रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। अब हम बात कर लें दोस्तों प्रोडक्ट लिस्ट की, टाइप ऑफ प्रोडक्ट। अब आप उसमें यही हमने जैसे बताया कि आपने मार्केट का सर्वे किया, किस टाइप के कंटेनर, किस टाइप के फॉयल डिब्बे आपके बिक रहे हैं, उसी हिसाब से आप एक पेपर वर्क करेंगे, एक लिस्ट तैयार करेंगे, लिस्ट के हिसाब से आपको उत्पादन करना है अपने क्षमता के अनुसार। उसके बाद आता है दोस्तों मशीन में, ऑटोमेटिक मशीन, सेमी ऑटोमेटिक मशीन, फुली ऑटोमेटिक मशीन, हाइड्रोलिक मशीन एंड पावर प्रेस मशीन, ये 4-5 मशीनें उसमें रिक्वायरमेंट होती है। अब ये दोस्तों इसमें आप ऑटोमेटिक छोटी मशीन से शुरू करना चाहते हैं कि सेमी छोटी से कि फुली ऑटोमेटिक से, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना आप बजट लगाना चाहेंगे। हम ये करेंगे अभी आप छोटे से शुरू करिए, जब आपको बेसिक नॉलेज होता जाएगा तो धीरे धीरे बड़ी मशीनरी ले सकते हैं। अब मशीन कहाँ से खरीदें, इसके लिए आप दोस्तों गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे तो आपको एल्युमिनियम फॉयल बिजनेस मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग मशीन डालेंगे तो दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का एड्रेस आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर का एड्रेस आ जाएगा, तो जो भी आपके पास पड़े वहाँ पे आप विजिट करिए। विजिट करने के बाद मशीन की पूरा बैकग्राउंड लीजिए, टर्म कंडीशन लीजिए, उसके क्या क्या फैसिलिटी हैं और वो क्या क्या प्रोवाइड करेगी कंपनी, ट्रेनिंग वगैरह क्या क्या देगी, कितनी गारंटी वारंटी है, पूरा उसका बायोडाटा लेने के बाद ही खरीदारी करेंगे। एक कंपनी नहीं, 3-4 कंपनियों में विजिट करना, 3-4 कंपनियों के सारे चीज़ उसके बाद जान लेना, उसके हर एक पार्ट के बारे में, हर एक गारंटी के बारे में, तो जिस कंपनी का आपको दोस्तों बेटर लगे उस कंपनी का आप ले सकते हैं। हम यहाँ पे कंपनी इसलिए नहीं पार्टिकुलरली आपको बता रहे हैं, कुछ भाई लोग कहते हैं कि इनका उनसे फिटअप है, यहाँ उनका कमीशन बनता है, तो दोस्तों आप अपने आप में स्वतंत्र हैं, आप विजिट करिए, देखिए, जो अच्छा लगेगा वो लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आती है रॉ मटेरियल, अल्मोनियम फॉयल रोल,
पैकेजिंग मटेरियल एंड अदर मटेरियल, इसमें छोटे छोटे कुछ और मटेरियल, तो ये सब आपको डिपेंड करता है कितना आप लेते हैं। या दोस्तों 6 महीने साल भर बाद कोई और मशीन आ जाए, किसी और ढंग से आपको बिजनेस करना हुआ, लेकिन सारे रिक्वायरमेंट यही लगभग रहेंगे, कुछ इधर उधर हो जाएंगे, तो उस समय के टर्म कंडीशन को देखने के बाद ही सारी चीज़ों को आप निर्णय लीजिएगा। उसके बाद आता है दोस्तों फॉप एडवर्टाइजमेंट। फॉप एडवर्टाइजमेंट प्रचार के लिए आप कैलेंडर, पंपलेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, आप इसको किसी भी ढंग से प्रचार कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे अपने यार दोस्तों के साथ, फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, यूट्यूब, कहीं से भी प्रचार कर सकते हैं। न्यूज़पेपर में दिल निकाल सकते हैं ऐड दोस्तों अपने बजट के हिसाब से। अब दोस्तों बात आती है टाइप ऑफ फिल, हम इसको कितने प्रकार से फिल कर सकते हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन, सेल्फ टीम करके। दोस्तों इसको आप दुकान पे अपना भी बेच सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर भी बना करके आप दूसरे ज़िले में बेचिए। आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए आपको एक सेल्फ टीम रखना पड़ेगा, एक एरिया मैनेजर, एक सेल्फ मैन को दोस्तों जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में। तो सबसे पहले दोस्तों आप खुद मेहनत करिए, एक सेल्फ मैन रख के पहले एक अपना ज़िला कवर करिए, ज़िला कवर हो जाए तो अगला डिस्ट्रिक्ट कवर करिए, फिर अगला डिस्ट्रिक्ट कवर हो जाए, इसी तरह से पहले आप जिस स्टेट में हैं दोस्तों पूरा स्टेट को कवर कर लीजिए। जब पूरे स्टेट में आपका प्रोडक्ट छा जाएगा, आपकी क्वालिटी छा जाएगी, आपको प्रॉफिट भी होने लगेगा, जिस हिसाब से आपको प्रॉफिट होने लगेगा, आपका अनुभव बढ़ता जाएगा, उसी हिसाब से स्टेप बाय स्टेप अदर स्टेट को कवर करते पूरे इंडिया को कवर कर सकते हैं दोस्तों। इस ढंग से अगर आप बिजनेस करेंगे, छोटे लेवल से लेकर के बड़े लेवल पे बढ़ते जाएंगे, तो आप कभी बिजनेस में फेल नहीं होंगे। इसलिए फेल नहीं होंगे, आपको सेल्फ का अनुभव हो जाएगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी का अनुभव हो जाएगा, रॉ मटेरियल परचेज का अनुभव हो जाएगा, सेल्स का अनुभव हो जाएगा, सारे आपके पास अनुभव हो जाएंगे, तब आपको कोई फेल कर नहीं सकता है। तब आप जितनी बड़ी कंपनी चाहे उतनी बड़ी कंपनी डाल सकते हैं, एक कंपनी से दो कंपनी डाल सकते हैं, इस हिसाब से करेंगे दोस्तों। अब हम इस पे प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, 10-15% आपका प्रॉफिट होगा सारे खर्चे काटने के बाद। बस डिपेंड ये होगा रॉ मटेरियल कब सस्ता हो रहा है, रॉ मटेरियल कब महंगा होता है, उस हिसाब से आप देखेंगे। फिर रॉ मटेरियल आप बल्क में खरीद रहे हैं कि आप छोटा स्टॉक रख रहे हैं, इस पे भी प्रॉफिट डिपेंड करता है दोस्तों। और फिर कोई आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपसे 10-20 लाख का माल ले रहा है, तो वहाँ पे भी कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, इस हिसाब से प्रॉफिट डिपेंड करता है। फिर भी दोस्तों ये घाटे का सौदा नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई फड़ने गलने वाली चीज़ नहीं है, सब चीज़ों का रेट इंक्रीज हो रहा है, डाउन नहीं हो रहा है दोस्तों। तो अगर आपको लगता है कि इस बिजनेस में हमारा कैरियर है, इस बिजनेस में हम अपना कैरियर बना सकते हैं, तो दोस्तों आप मेरे अनुभव को देखिए। अनुभव को देखने के बाद आप उस बैकग्राउंड को आप खंगालिएगा, बैकग्राउंड का अनुभव करिएगा, फिर जब भी बिजनेस करने जुटिएगा दोस्तों फुल कॉन्फिडेंस के साथ। फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जिस दिन आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं फेल होना नहीं सीखा हूँ, उस दिन आप बिजनेस में कभी फेल होंगे ही नहीं। इसके लिए चाहे आपको रात दिन एक करना हो जाए, आप लग जाएंगे तो बिजनेस अच्छा होगा दोस्तों। लेकिन हर बार मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, मार्केट में मतलब प्रोडक्ट चेंज होते रहते हैं, किस टाइप का डिमांड है, आप हरदम मार्केट का सर्वे करते रहेंगे, जिस हिसाब से डिमांड बढ़ेगी, जिस हिसाब से जो फैशन टाइप में चले गया या इस प्रोडक्ट की डिमांड हो गई, ऐसी क्वालिटी चाहिए, उसी हिसाब से आप चेंजिंग करते रहना दोस्तों। जब उसी हिसाब से आप समय के साथ चलेंगे, समय के साथ चेंजिंग करते चलेंगे अपने प्रोडक्ट में, तो कभी आप फेल नहीं होंगे दोस्तों। हो सकता उम्मीद करते हैं कि हमारा अनुभव आपके कुछ काम आ जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, हो सकता है उनको भी कुछ हेल्प मिल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, जिससे हम कोई और इन्फॉर्मेशन बनाए या और कोई जानकारी बनाए सबसे पहले आप तक आ जाए। और चैनल को दोस्तों लाइक ज़रूर किया करिए दोस्तों। आपने जो 10-15 मिनट का अपना बहुत कीमती समय दे करके हमारे विचारों को सुना और अपना अनुभव शेयर किया, इसके लिए एक बार फिर दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।